हमारी गांव देहात में महिलाएं सबसे ज्यादा तकलीफ झेलती हैं, लेकिन उनका तकलीफ का समाधान उन्हीं के अनुरूप करना पड़ेगा। आज इन नालायकों ने गैस सिलेंडर बांटा मुफ्त में और आज 1200-1500 रुपए का सिलेंडर बांट रहा है। पहले ये लोग चरस, गंजा, अफीम की तरह लोगों को लत लगवाता है, फिर बाद में उन्हीं लोगों का जेब काटने का काम करता है। आज इनके पास इस राज्य के, देश के गरीब, गुरुआ, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक को स्वावलंबी बनाने के लिए पैसा नहीं है। हमारे राज्य के गरीबों को आवाज देने के लिए पैसा इसके पास नहीं है। हमारे राज्य के कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन देने का पैसा नहीं है, लेकिन आपने बड़े बड़े व्यापारियों, मित्रियों का लाखों लाखों, अरबों अरबों रुपया माफ करने का पैसा इनके पास है। भूखा गरीब मरे तो मरे, इनको कोई चिंता नहीं। और आने वाला 5-6 सालों के अंदर इस राज में कोई ऐसा गरीब नहीं रहेगा जिसका आवास नहीं होगा। हर साल लाखों आवास स्वीकृत किए जाएंगे, अभी तो और लाखों आवास स्वीकृत हो चुका है। हर साल के ये में नए आवास स्वीकृत होंगे और धीरे धीरे 5-6 सालों में सारे आवास। आज सुबह से ही मौसम खराब है, फिर भी इस मौसम में लाखों की संख्या में यहां इस पंडाल में बैठी महिलाएं और जितनी महिलाएं यहां बैठी हैं उतने ही महिला अभी सड़क पर भी हैं जो अभी तक पहुंच नहीं पाई हैं, जाम में फंसी। मैं इस मंच से उन महिलाओं का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं और जुहार करता हूं जो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रही हैं। इतना उत्साह, इतना उमंग, बहुत सारे कार्यक्रम हम लोगों ने किए, गांव गांव, पंचायत पंचायत, टोला टोला, जिला जिला, परमंडल परमंडल, लेकिन इतना उत्साह जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के दौरान हमें देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। आज इससे पहले हम लोगों ने इतना उत्साह कभी नहीं देखा और मुझे लगता है कि देखते भी कैसे, जो इस राज और देश का जो आधी आबादी है और उस आधी आबादी के बारे में जो व्यक्ति सोचेगा, जो व्यक्ति करेगा, वही ये उत्साह और खुशियां देख सकता है। इतने खराब मौसम में भी हमको तो उम्मीद नहीं था कि आज हम आ पाएंगे, लेकिन किसी तरीके से पहुंच भी गए। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का उत्साह हर मुसीबत, हर चुनौती से हमें लड़ने की ताकत देता है। आपके आशीर्वाद से और आपके इस उम्मीद और भरोसा से कई ऐसे चुनौती हमारे इस सरकार के कार्यकाल में आए हैं और लगातार आ रहे हैं। अभी और आएंगे। लेकिन हम लोगों ने पूरे 4 साल उन चुनौतियों को भी सामना किया और यहां के गांव देहात के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के लिए
लगातार काम किया। चार बरस पहले कई ऐसा गांव है जहां की महिला पुरुष ब्लॉक ऑफिस क्या होता है वो भी नहीं जानता था, वहां पर बीडीओ सीओ कौन है कभी नहीं देखा, जिला कार्यालय मुख्यालय का तो बात ही छोड़ दो। लेकिन सरकार बनने के बाद ही हमने ये वादा किया था कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं गांव से चलने वाली सरकार है, और यही वजह है कि पंचायत पंचायत टोला टोला में शमियाना लगा करके टेंट लगा करके पदाधिकारी लोग जहां सड़क नहीं है आने जाने का रास्ता नहीं है कोई मोटरसाइकिल में कोई बैलगाड़ी में कोई ट्रैक्टर में जा जा करके कैंप लगा करके आप लोगों के तकलीफों की दरखास्तें ले रहा था, आपकी समस्याओं का समाधान कर रहा था। बीडीओ सीओ डीसी एसपी विभाग के सचिव सब भी जा जा करके गांव में आपकी समस्याओं का हाल जाना था, और गांव के अंदर जो तकलीफ थी उस तकलीफ को हम तक पहुंचाने का काम किया, और उसी का नतीजा है कि एक एक समस्या का समाधान हम निरंतर करते जा रहे हैं। सरकार बनाए 2019 में, सरकार ठीक से हम लोग कुर्सी भी नहीं संभाले थे, कोरोना जैसा महामारी आ गया। कोरोना कितना बड़ा महामारी था वो तो दुनिया भर का लोग देखा जाना समझा, गरीब गुरुआ के लिए तो ये एक अभिशाप के जैसा हो जाता है, और वो भी ऐसा महामारी जहां हाट बाजार गाड़ी मोटर बस ट्रेन सब बंद, काम धाम नौकरी चाकरी सब बंद, और मुंह में ताला लगा करके गमछा बांध करके घर में ताला लगा करके रहो। ये दिन था, दो साल उसी में उथल पुथल हम लोग करते रहे। हम लोग का लाखों मजदूर अलग अलग राज्य में जाकर के फंस गया, जो अपना परिवार का पेट पालने के लिए दिल्ली मुंबई गुजरात गया था, असम गया था गुवाहाटी गया था, ऐसा लॉकडाउन हुआ कि वहीं रह गया, वो आने की स्थिति पे नहीं था। वहां पर भी कारखाना से मालिक लोग उन लोगों को धक्का मार के बाहर निकाल दिया सड़क पर, पूरा देश में हाहाकार मच गया। तो आपको याद होगा वो दिन कि देश का पहला मुख्यमंत्री या आपका बेटा आपका भाई आपका परिवारों को उठा उठा करके ला करके आपके घर में पहुंचाने का काम किया था। किसी को हम हवाई जहाज से लाते थे, ट्रेनों से लाते थे, बस से लाते थे, और हम कोरोना ढो ढो के लाते थे। ऐसे स्थिति में भी हम लोग अपना काम करना बंद नहीं किए, आप लोगों का सेवा करते करते उस कोरोना के काल में हमारे मंत्रीगण हमारे पदाधिकारी सभी लोग दिन रात लगे रहे, और उसमें सबसे बड़ा भूमिका यहां बैठी हमारी महिला बहनों ने महिला दीदियों ने जो सरकार का साथ दिया वो भी एक अभूतपूर्व है, वो कभी नहीं भूलने वाला दिन है। यहां का लोग अधिकतर खेती बाड़ी और मजदूरी में अपना जीवन यापन करता है, एक दिन मजदूरी नहीं करेगा तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता। उस दिन याद कीजिए कि गांव गांव पंचायत पंचायत में हमारी महिला दीदी
गांव में खाना बना बना करके मुफ्त में गरीबों को खाना खिलाने का काम कर रही थी। और इसीलिए हमने ये संकल्प लिया, इस राज की आधी आबादी हमारी महिलाओं को हम अपने उनके पैरों पर खड़ा करेंगे। तरह तरह की योजनाएं हम लोगों ने लाया और इस जंग में साथ साथ चलने वालों को हम लोगों ने प्राथमिकता में लिया। और इस कोरोना की लड़ाई में हमारे दो दो मंत्री चले गए, गुजर गए, कोरोना के चपेट में आकर उनका देहांत हो गया। हमारे हाजी हुसैन अंसारी साहब, उनका पुत्र आज यहां हमारे साथ मंत्रिमंडल में, हफीजुल जी हमारे साथ मंत्री है, दूसरा मंत्री हमारे जगन्नाथ महतो जी जिनको टाइगर भी कहा जाता था, वो भी बेचारे कोरोना में हमारा साथ छोड़ दिया। आज जो महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, उन्हीं जगन्नाथ महतो जी की बेवा पत्नी जो बेबी देवी जी आज हमारे मंच में है, उन्हीं के विभाग के माध्यम से आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, उसको हम लोगों ने जरूर अमली जामा पहनाया, लेकिन आज इनका भी संकल्प था, जगन्नाथ जी का, कैसे से काम करना है। तो हम लोगों ने दिन रात एक करके इस योजना को धरातल पे उतारा है। आज मुख्यमंत्री मैया योजना के माध्यम से लगभग 50 लाख महिला पूरे राज्य में जुड़ चुकी हैं और जिनको सरकार अब 1,000 रुपया महीना और 12,000 रुपया साल में देने का काम करेगी। मसलई पे मिमी 1,000 टका नीत मीट टैंक गोगो हड़ पंजामा जा हड़ 21 बच्चों को 49 बच्चों सभी मिना तपिया उमर सनाम जातना मिना को ओड़ा रे गोगो हड़ को सनाम पंजामा अगर ओड़ा रे पिया गोगो हड़ मिना पिया तो साल रे 36,000 टका पंजामा 12,000 टका करते और हड़ा बुढ़ी हो मिना किना तो उनकी ना 24,000 टका 60,000 टका मोटा मोटी मीटंग होड़ा रे सेक्टरवा और यहां संकल्प मिना 9-12 महीना बाद चुनाव विधानसभा रे हुई तब ना आरो सरकार बोने बिनावा और उसके बाद मिमी टंग ओड़ा रे 1,00,000 टका पैसा भेजाया। हमने संकल्प लिया है इस चुनाव के बाद अब हर घर में 1,00,000 पहुंचाने का हमारा संकल्प है। बहुत सारी चीजें आज हमारा विपक्ष का लोग बोलता है क्या मिला, इंग मासे कुलिये प्या थोड़ा जोर पे रोड़ा। हम जरा जानना चाहते हैं, इन महिलाओं की तरफ से आवाज सुनना चाहते हैं कि योजना आपको अच्छा लगा कि नहीं। योजना अच्छा लगा, तख्ती उठाइए, आप लोग को मिला कि नहीं मिला। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप लोगों का ये चलता रहे और मजबूती से आप लोग अपने पैरों पर खड़ा हो। और हमारा ये मानना है कि हमारा गांव मजबूत होगा तभी राज मजबूत हो सकता है, गांव मजबूत नहीं होगा तो कोई राज मजबूत नहीं हो सकता। इसीलिए किसानों का ऋण माफी की बात, किसानों के बीच में कई कृषि योजना लाने की बात, चाहे बिरसा हरित ग्राम योजना, चाहे पशुधन योजना, चाहे दीदी बाड़ी योजना, दीदी बगिया योजना, तरह तरह की योजना। आज बिरसा हरित ग्राम योजना हम लोग लेके आए हैं ग्रामीण किसान भाइयों के लिए। आज मौसम देख रहे हैं कैसा हो रहा है, जब बारिश होना चाहिए उस समय बारिश होता नहीं है, जब धूप होना चाहिए उसमें धूप होता नहीं है,
जब ठंड पड़ना चाहिए उसमें ठंड होता नहीं है, सब उल्टा पुल्टा हो गया। किसान लोग भी बेचारा आसमान टुकुर टुकुर ताकते ताकते थक गया, हल चलाए कि नहीं चलाए, बिछड़ा लगाए कि नहीं लगाए, आज के दिन में भी नदी सब सूखा पड़ा है। इसीलिए वैकल्पिक खेती की ओर हमारे किसान आगे बढ़े, इसके लिए हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम योजना, दीदी बाड़ी योजना, पशुधन योजना आप के लिए लाया, और आज आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि इन चार सालों में लगभग 1 लाख लाभुक और 1.5 लाख एकड़ जमीन में हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से फलदार पेड़ लगवाए, करोड़ों पेड़, कोई आम का पेड़ लगाया है, कोई अमरूद का पेड़ लगा लिया, कोई लीची का पेड़ लगा लिया, तरह तरह का पेड़ लगा रहा, और उससे आमदनी भी होता है, उससे पैसा भी लोग कमाते हैं, पशुधन के माध्यम से जानवर पालने की जो परंपरा हमारे पूर्वजों का था वो टूट सा गया था, उसको जोड़ने का हमारा प्रयास है पशुधन योजना के माध्यम से। पहले की सरकार डबल इंजन की सरकार, जानवर सब बढ़ता था उस समय भी, लेकिन जानवर 4 महीना 2 महीना में मर जाता था कोई बीमारी से, रोगा बीमार जानवर मिल जाता था किसानों को, लेकिन इस बार हम लोगों ने कानून बनाया है कि जो भी किसान को जानवर मिलेगा या खरीदेगा उन जानवरों का बीमा होगा, गलती से मर गया तो उसका पूरा पैसा बैंक आपको वापस देगा। पहले नहीं होता था, बड़ा विचित्र बात है, मोटरसाइकिल का, साइकिल का, ट्रैक्टर का, बस का, ट्रक का इंश्योरेंस होता है, आदमी का भी इंश्योरेंस होता है, जानवर का इंश्योरेंस काहे नहीं होगा भाई। इसीलिए हमने ये महसूस किया कि कई किसान जानवरों के मरने के बाद बड़े पैमाने में पैसा लग जाने के बाद दोबारा जानवर पालने का सपना छोड़ देता है, काम छोड़ देता है, वो काम से ना हटे, अगर कोई नुकसान हो उसका भरपाई कोई एजेंसी करे तो निश्चित रूप से हमारा किसान आगे भी किसान के रूप में बना रहेगा। तो इसलिए कई ऐसे चीजें हैं, और हमारे विपक्ष के लोग आज के दिन में अखबार में बड़ा बड़ा विज्ञापन छपवाते हैं पैसा दे करके, विज्ञापन तो वैसे भी पैसा दे के ही छपता है, लेकिन ये लोग झूठा प्रचार कि 4 साल में मिला क्या, हम जानना चाहते हैं 4 साल में क्या हमारे बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिला क्या जी, मिला कि नहीं, हड़ाम बूढ़ी को पेंशन को न्याय मिला। तो आज कहा था डबल इंजन 20 साल तक इस राज के बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन क्यों नहीं मिला, ये लोग 20 साल में मात्र 15 लाख बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन दे रहा था, लेकिन हम ने जब कुर्सी संभाली हमारे महागठबंधन की सरकार बनी, आज 4 साल में 40 लाख बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन देते, पहले 2, 4, 5 गांव में बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता था, आज के दिन में टॉर्च लगा के भी देखोगे ना तो कोई बूढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन के नहीं मिलेगा, सबको पेंशन मिलता है। और तो और पहले हमने कानून बनाया था इसका, 60 साल का उम्र किया था,
लेकिन हमको पता चला कार्यकर्ताओं के माध्यम से, पदाधिकारियों के माध्यम से, हमारे मंत्री विधायक गणों के माध्यम से, पक्ष विपक्ष दोनों लोगों के माध्यम से कि सर गांव में गरीबी बहुत है और गरीबी का आलम तो हमको ही पता है। तो बोला ये 60 साल की जगह 50 साल होता तो सब बुजुर्ग लोग पेंशनधारी हो जाता। तो हमने तुरंत इस 60 साल का ये हटा करके 50 साल का बुजुर्ग लोग को पेंशन देना शुरू कर दिया। अब 60 साल खत्म, अब 50 साल का जो हो जाएगा ऑटोमेटिक उसका पेंशन का कार्ड बन जाएगा। आज नेतार माहौड़ हड़ा बुढ़ी को उम्र को लिखाएगा अका हिलो इन 50 बच्चों हुई आ रही पेंशन बिना बखाए पहल दलाला चक्कर रे 200-500 टका एमएम ते एम थकाओ का न मी बछोर 12 बछोर पे बछोर 10 बछोर दबी पेंशन या काटगे बांग बिना कहता है आर इंतजार करते नुंका हड़ाम चबाए ना ये गोय हो गोय चबाए ना लेकिन पेंशन या काट बांग बिना कहता है। लेकिन नेत ओड़ा ओड़ा बोन अतु अतु बोन दड़ान खान मिट्टांग हड़ाम बुढ़ी बिना पेंशन ते बाको नमो अकार को तह लेना पहल 19 बच्चों नुड़ा सरकार को चलाओ के नुकु पुल बहावला चे लगी सनम हड़ाम बुढ़ी को पेंशन बाको चे लगी गोगो हड़ को सनम पेंशन बाको माकुआ समान नसीब बाको माकुआ और चे हुई ना कि अब सरकार बिना होना और अब सनम पेंशन को बंजाम बढ़ाए था सनम गोगो हड़ को रेंगे हड़ को बछोर रे बारिया बार धाव किचरी हटिंग अपे करना चे लगी पुन बछोर पहल बापे जामे ता है इन मी बार 11-12 महीना लगी मुख्यमंत्री ताहे लेना उन जो कोई बार नुआई हटी है ता है लेकिन आरो कुर्सी खोन को फेंट के दिया और योजना को बंदो का तब होना लेकिन नेतारो सरकार बन बिनाओ कि आरो बन जामे था इना को हार के दिया नुआ सरकार चलाओ रे पहलो ही जो कांता है चेल का नियलो कांता है नेतार चेल का नियलो करा बापे जेली करा हड़ाम हड़ाम लिखा इना को हरकेतिंग करा नुआ 4 बछोर जहलों को जहल लेती जा बड़े महीना लगी नुकु बेमान को एरे एड़े यार झूठा केसरे को फंसाओ लेती जा नितारों को लगाओ करा लगातार 4 बछोर को चिकाते इंजा सरकार न्यूरा चिकाते विधायक मंत्री को हथाओ खरिंकुआ उनारे को लगाओ करना नीतों को लगाओ करना लेकिन चिंता लो पे चिंता या नुकुआ सनाम खुरपात माइनिंग बढ़ाया तिना को परेशानियां ओना हुई नेल को लेकिन तावरे हो आपे तला लगी आपे आतु दिसोम रेन रेंगे लचार होड़ को लगी निरंतर बन कमी इदा सराम राशन कार्ड को कुन्याम इदा पहल नुकु के 11 लाख राशन कार्ड को डिलीट लेदा ओना सरकार बदले ना आरो 20 लाख राशन कार्ड बिना कते रेंगे होड़ी हटिया को और उन्होंने और राशन बाको मन कहता है ताकि आप ही मादड़े आप माँ उन्होंने और एमा को हरकत की दी जा खुला बाजार को हता होता होते जाल का ते हटिंग हुई ना नीत हो समय समय रे को घान को एमाइया घान बाको एमाइया सरकारी दुकान खोन लेकिन होना हो बन जूता ही जो समय रे आलप चिंता है नीत पेंशन सनाम गोगो हड़ को यमा को 200 यूनिट बिजली हो फिर यमा पे कना आबरन कुड़ी गिदरा को ऑल पढ़ाओ लगी सावित्री बाई फूले योजना रे सनाम कुड़ी गिदरा को सलाह दका को ताकि आलो पे ऑल पढ़ाओ पे बगी होचो को आज विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इस राज्य के सभी आने वाली पीढ़ी को संभालने वाली बच्चियां
हमारी गांव देहात में महिलाएं सबसे ज्यादा तकलीफ झेलती हैं, लेकिन उनका तकलीफ का समाधान उन्हीं के अनुरूप करना पड़ेगा। आज इन नालायकों ने गैस सिलेंडर बांटा मुफ्त में, और आज 1200-1500 रुपए का सिलेंडर बांट रहा है। पहले ये लोग चरस, गंजा, अफीम की तरह लोगों को लत लगवाता है, फिर बाद में उन्हीं लोगों का जेब काटने का काम करता है। आज इनके पास इस राज्य के, देश के गरीब, गुरुआ, आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक को स्वावलंबी बनाने के लिए पैसा नहीं है। हमारे राज्य के गरीबों को आवास देने के लिए पैसा इसके पास नहीं है। हमारे राज्य के कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन देने का पैसा नहीं है। लेकिन आपने बड़े बड़े व्यापारियों, मित्रियों का लाखों लाखों, अरबों अरबों रुपया माफ करने का पैसा इनके पास है। भूखा गरीब मरे तो मरे, इनको कोई चिंता नहीं। व्यापारी लोग नहीं मरना चाहिए, ये हालत। और जहां अभी मंत्री जी अबू आवास के बारे में बोल रहे थे, पहले सबको आवास मिलता था, उसमें आधा पैसा हम, राज्य सरकार, आधा पैसा केंद्र सरकार देती थी। 4-5 लाख बकाया आवास था, पैसा नहीं दिया, बहुत जाके करके नाक रगड़े। हम लोग का पैसा बगल का भाजपा का सरकार को दे दिया गया, लेकिन यहां के गरीबों को नहीं मिला। तो हम लोगों ने भी सोच लिया, ठीक है, नहीं दोगे तो हम बद दो, हम लोग अपना तरीका अपनाएंगे। हमने उस समय जो लिस्ट बना था, मात्र 4-4.5 लाख केंद्र सरकार के लिस्ट में गरीब लोग थे। जब हमने सर्वे किया तो पता चला 20 लाख से अधिक गरीब है जिसको आवास की आवश्यकता है। और हमने उस दिन संकल्प लिया कि वो 4 लाख तो छोड़ो, इन 20 लाख गरीबों को आवाज अब राज्य सरकार अपना पैसा से देगा। और आने वाला 5-6 सालों के अंदर इस राज्य में कोई ऐसा गरीब नहीं रहेगा जिसका आवास नहीं होगा। हर साल लाखों आवास स्वीकृत किए जाएंगे, अभी तो और लाखों आवास स्वीकृत हो चुका है। हर साल के ये में नए आवास स्वीकृत होंगे और धीरे धीरे 5-6 सालों में सारे आवास